अगर फिरौन मुशाहदे में न हो तो कुरान की बात किस्सा हो जाएगी, और कुरान किस्सा नहीं है, कुरान वारदात है। क्या समझाई बात? लाजिम बात है कि फिरौन हाल में अवेलेबल है अपनी पूरी तवानाई के साथ कि एक आदमी आपको मिले और वो बताए बगैर कोई ऐसा वाक्य कर जाए और बाद में समझ आई थी कुछ और ही बात कर गया। अच्छा समझ रहे, मिसाल के तौर पर आपको कोई आदमी मिल जाए और आपसे कहें कि ये देखो क्या है, आपसे कोई बात सुनाओ या कोई बात ऐसी करो या उसे कोई निशानी लो या तो चला जाए, आपकी दुआ मंजूर हो जाए। कुछ अर्से के बाद जो है वो और आदमी किसी और मुल्क में आपको मिले तो उस आदमी का वाला निकले तो वहां में तुझे मैंने कहा था ना पहले, देखो तू कहा था, देखो मैं इधर जाता हूँ, देखो वो मेरा भाई है पला दरिया के किनारे जो था, दरिया उधर था तुम यहाँ हो, कौन लोग तुम तो पागल जा रहे हो मुझे, कहता ऐसा ही होता है, ऐसा हो सकता है वाक्य, अच्छा हो सकता है कि इन लोगों के दरमियान रब्ता हो, किसी ने आप किसी मायने की बात की आपके कमरे में अंधेरे में आप दो आदमी बात कर रहे हो तो दून मिलने वाले जब वो कह रहा क्या कह रहे थे आप, यहाँ बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है कि जो चीज ऑडिबल नहीं है उसको ऑडिबल हो रही है, जो विजिबल नहीं है उसको विजिबल हो रही है, ये जीव सी बात है ना, ऐसा हो सकता है। यहां से पता चलता है कि जमाने और जमाने हैं, समाते और समाते हैं, दीदार और दीदार है, वाकयात और वाकयात, लेकिन मंशा लाइफ का ये नहीं है, हो सकता है। लेकिन जिस पर कोई जमाना आश्कार हो जाए ना वो शायद फिर सुबह की जिंदगी में बैलेंस में रखे, वो दिन खामोशी से गुजारेगा फिर रात के इंतजार में, रात को सलमा सिलाई करके पंजाब पड़ेगा, होता है ना बात, ऐसा हो सकता है। एक शाम बैठे बैठे ऐसे महसूस हो कि वो शेर लिख रहे और लिखते जा, और जब लिख चुके उस हालत से बाहर आ जाए तो फिर वो उसको समझने का यारा ना हो। इतना एक आदमी एक मशहूर वाकया के एक बादशाह ने किसी मस्जिद का खाका देखा, कैसी यह मस्जिद बनानी चाहिए, बादशाह का नाम था हिंदुस्तान की मस्जिद होगी आधी मस्जिद, उसने बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो वो मस्जिद डिजाइन कर दे और जो मैंने ख्वाब में देखी है कुछ को इनाम इकराम माला माल हो जाएगा। उस जमाने में एक दरवेश थे दिलीमुल्ला शाह जहाबादी, उनके कोई मुरीद थे गरीब खानदान के, तो उनको घर से मिला ताना कि आप कोई आदमी नहीं आ रहा उस डिजाइन के साथ जो स्केच के साथ, तो तू पीर साहब कहे तो कुछ करे, उन्होंने कहा बेटी अब भी आ जाएंगी हमारी की बहन तेरी की शादी हो जाएगी। पीर साहब बात करते तो ये बादशाह सलामत है, उन्होंने खुचड़ियों पर डाल दी कि डिजाइन कर लो, उन्हें लिखन लुकर लगा दिया, चल बादशाह राजी हो गया, बादशाह वैनिटी थी ना राजी का अफराधी हो गया, इंतजाम हो गया। ये है तसरफ, तसरफ का माना एक ऐसा वाकया सरदर्द हो जाना जिसके लिए आप मेंटली तैयार नहीं है, बाप के हाथों सरदर्द है, ये उस निगाह का गर्म होता है, इस तसरफ कहते हैं। आप बात में तुमने सच क्यों बोला, वहां पर बात जुड़ दी बहुत सच, तसरफ का माना यह है उसका ख्याल या उसकी रूह, ये हो सकता है रूह भी हो, अब मैं बता रहा हूं आपको, अच्छा मतलब मैं आपका हाल करके जाऊंगा, हो सकता है कि रूह आपकी रूह पर इस तरह हालत हो कि आपकी रूह अपना अमल समझ के कर रही है और हो उसका। जमाने यूं आते हैं एक दूसरे जमाने में, अच्छा जिन्नात को आपने सुना हुआ ना, मानो जिन्नात तो चीज होते झूठ होते हैं लेकिन होते जरूर है, झूठ भी तो होते ही है ना, वो भी तो कहता है जिन्न जिन्न है ना, शैतान एक जिन्न है, ये समझ लो कोई अननोन जो है नॉर्मल पावर जिन कह रहे हो, जिन का मतलब फितरी पावर के अलावा कोई पावर, उस पावर को आप जब तलब होता है तो आपके नॉर्मल लाइफ में से भी आप नॉर्मल वाकया पैदा होने शुरू हो जाते। ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी अनपढ़ हो और उसके ऊपर कोई तालीम याफ्ता किस्म का जिन या पावर ऑपरेट कर रही हो और वो ही स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो सर, और ऐसा हो सकता है जिन अलग जिन्स हैं, मिलन जिन नास नाथ नहीं है, ये जिन अलग हैं, और हजूर पास अलम के पास जिन्नात ने भी कलमा पढ़ा, हो सकता है कि जिन्हों ने भी आपके हाथ पर बैत लिया है और आप मुसलमान हुए, वो तो नहीं हो सकता, आपकी तालीम पाने वाला आपके हाथों तालीम पाने वाला कोई जिन अपनी नॉर्मल लाइफ की तवील होने की वजह से जिंदा हो
और आपकी उम्र पर तसरफ करके आप तो अपने जमाने की बात जानते हैं आगा करते हो सकता है, यह इम्कान वैसे हो सकता है। और यह भी मुमकिन है कि कुछ शहीद हो जो शायद शहीद होने के बाद जिंदा हो आपको मिल जाए अपने जमाने का, अगर मैं तो उन्हें सुधा हूँ शहीद हुआ था मैं आज तो जिंदा हूँ तो आपको अगर जमाना पुराने मिल जाए कि जहाँ मैं शहीद हुआ था आप आज मेरे कदर की बात। तो सर अब वादे तौर पर भी है इब्तदा की शक्ल में अब सर अब आपका ज्ञान के ऊपर गल्प आ जाए, लेकिन पुराने जमाने का आदमी भी तसरफ कर देता है, पुराने ख्याल भी तसरफ कर देता है। कभी आपने देखा कि कब्र के के पास जाओ तो रोना आ जाता है, लिखता नहीं जन तसरफ ये क्या है जिससे सरफ है खासतौर पर मतलब अगाबाजी में जाओ तो है बता नहीं जाती है दुर्पात बात जाती लिखता नहीं जाती सरफ अब तसरफ ये तसरफ बात है। तो आपको आपकी जान से बचाने वाले तो तसरफ कहलाता है, आपको आपकी जान से बचाए वरना आप इंसान हला कर दे आपको तो दो भी तो कहते हैं तो मैं आगे बात आपको तो सर हम जाए वो एलियन भी हो सकता है और बगैर किसी चीज के भी अपडेट कर सकते हैं, कंडक्शन भी है कन्वेक्शन भी है। आपके पास जो सामान मिला मिसलन किसी आदमी के मकान का नक्शा दूसरे आदमी के मकान के नक्शे के बराबर नहीं, किसी आदमी का बीवी दूसरे की बीवी के बराबर नहीं, लेकिन हर आदमी जो है ना खा रहे जैसे सबका अलग है वसायल अलग अलग है सामान अलग अलग है लेकिन घर की जिंदगी एक जैसी है। जिस तरह दीन मिला है इसी तरह मतलब हर आदमी का एक अलग अलग जजमेंट है लेकिन बजाय एक जैसे लगता है कि आपको गिवन हालात में जो गिवन है आपके पास गिवन हालात में आप किस तरह उससे आउट हुए बरामद हुए वही है आपकी दीन गिवन सिचुएशन जो आपके साथ थी। हालांकि मेरे साथ भी वो वैसी नजर आ रही थी लेकिन वैसी नहीं थी जो आपके साथ थी। अब हर आदमी जो है ना फर्दन फर्दन जवाब दे है बजाहिर यकसा जवाब दे है यकसा नहीं है, हर आदमी फर्दन फर्दन है अल्लाह ताला कुछ तो कुछ रखा हुआ है राज इसमें खास फर्दन फर्दन मतलब एक आदमी फर्ज करो आप अमीर आदमी हो फर्ज कर लो कब तक फर्ज करते रहे हो ही जाओ ना काफी हो गया बजा फर्ज कर तन गया ठीक है तो आओ नहीं जाइए लोगों को अमीर हो जाने के हो जाओ कब अमीर। देखो अमीर आदमी जब हो जाए आप लोग अब हो जाए आप सब लोग अमीर अच्छा दुआ कर रहा हूँ मैं आपके लिए हाँ अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर कर दे ये कोई बात नहीं कि अल्लाह ताला हालात में कमी हो हालात बेहतर। अमीर आदमी से अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा ज्यादा कि तुमने नमाजें पढ़ी हैं कि नहीं, देखा जो मैंने फजल किया था ना पैसा उसको बता दो। अमीर आदमी कहे जनाब 2.5% अपना ले लो चिपड़े लगाए हुए तो उसको अल्लाह 2.5% ना बता देना। अमीर आदमी से नमाजे से पूछेगा गरीब से गैर गरीब आदमी तेरे पर वसायल नहीं थे फिर भी नमाज पढ़ी तूने नीला शुक्रिया हमने पढ़ी मोहताजी थी फिर नमाज पढ़ी जी पढ़ी। तो अमीर गंज मैंने भी नमाज पढ़ी है मैंने आज भी किया है वो आज शायद नहीं किया है जो मैंने तुझे वसीला दिया उससे किसी की खिदमत की। अमीर आदमी खबरदार कभी बात करता करता तो स्टेट के पास चले जाते पहले पहले अपनी दाद की बात करो तुझे उसका जजमेंट और इस्लाम बयान करने वाला क्या आप गरीबों के साथ सलूक अच्छा लोगों के साथ जागीरदारी वाला सलूक तो नहीं किया ये पीछा जाएगा हर आदमी का अलग अलग इससे कोई फर्क पड़ता ये एक निजाम ही अलग है इस्लाम जो है ना ये मान देने का नाम है आपको ये मसला बता दो। अच्छा सबसे कुछ किस्मत इंसान हुआ है जो अमीर भी हो और सफी भी बहुत कुछ किस्मत है 32 वक्त इंसान वो है जो गरीब भी हो और जालिम भी हो ना। अगर आपने पास पैसा है तकसीम कर दे और तुझे बड़ा इनाम मिलेगा अगर तेरे पास गरीब भी है तो दूसरे को माफ कर दे जिसके पास इसी चीज की दौलत है फिर तेरे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा निजाम की इसलाह कर देगा ये अलग काम है ये अल्लाह ताला अपने टाइम में करता रहता है वो और टाइम स्केल है मैंने बताया था और मतलब सूरज के टाइम स्केल में आप जाओगे तो बराबर की रोशनी तकसीम होगी चांद तब बराबर की होगी ये कभी मिसी होगी और जब और फितरत में जाओगे शेर को शेर का पंजा दिया जाएगा कबूतर को कबूतर के खूबसूरत पार दिए जाएंगे कभी शायद खा जाएंगे ऐसे खा जाओ रोंगे हैं मेला है वह और हिसाब है फितरत के मामले में दखल न देना। आज हम पैसे का इस्तेमाल कह रहे हैं पैसे बराबर तकसीम होने चाहिए कल को जब शक्ल का एहतसाल हुआ कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास इधर पैसा तो बराबर हमने ले लिया शक्ल क्यों नहीं बराबर तकसीम हुई है और शक्ल बड़ा जुल्म है अच्छी शक्ल तो नहीं पता बात कर चुका करो कि तुम्हें नजर नहीं आती
مجھے خالی شکل کے نظر آ جانا بڑا ضروری کی بات ہے نہیں ہے؟ تو یہ بات کیا استحصال کبھی نہیں ختم ہوتا. صرف آپ کے پاس اگر کوئی خدمت کا موقع ہے تو بس جو کچھ آپ کے پاس ہے برابر کے تقسیم کر دے. اگر کوئی بھائی چھوٹا ہے اس کو برابر کا حصہ دے دو, بڑا ہے اس سے معاف کر, آپ گائے میں برابری کر دو. کہیں کہ ماتا جی زندہ ملی ہے تو اس کی خدمت کرو, اور آپ دنیا میں کچھ کرنا ہے تو آج اپنا گھر تقسیم کر دو. اللہ کے والے جی میں کر سکتا ہوں تیری راہ میں نے برابر تقسیم کر دی. ویسے جاگیرداری بڑھنا, پیدل چلنے والے کے لیے سائیکل سوار جاگیردار ہے, اس کا اینڈ ہی بنی. ایک دعا کرو کم از کم ایسا معاشرہ بن جائے, دعا کرو کہ جس میں کچھ لوگوں کو بدنی چرمی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے پاس اتنی فراوانی نہ ہو کہ ظالم ہو جائے, کسی کے پاس اتنی معلومی نہ ہو کہ وہ بےچارہ خدا سے مایوس ہو جائے. تو اتنی بات کر لو, اس کی دعا ہم کر دیتے ہیں. کیا دعا کر دیتے ہیں؟ یا اللہ اتنا پیسہ کسی کو دے کے وہ ظالم ہو جائے, یا اللہ اتنی غریبی کسی کو دے کے وہ تیری رحمت سے مایوس ہو جائے. یہ دعا دینے کا وقت آ گیا. اچھے لوگوں کو اللہ میاں سے خود ساری قائدات کے بچے پالے کرتے رہتا ہے, جن لوگوں کو بچوں کی ضرورت ہے بچے تھا ہمارا, کیا تو کرتا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے, ان کے لیے اولاد ہونی چاہیے نا؟ آپ کہتے ہیں کوئی ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, ہاں اولاد ہونی چاہیے. یا رب العالمین یہ میرے مالک ماں, اور جن کی اولادیں ہو گئی یہ شادی, ان کی شادی ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, ان کی شادی ہونی چاہیے, وقت پر ہونی چاہیے, اصولی کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جن لوگوں کو نکلتا ہے ان کی نکلت دور ہونی چاہیے, اور پیسے کی کمی تو منٹوں میں دور فرما دے یا رب العالمین. باقی جینی شنی کمی وہ بھی دور کر دے, باقی جو کمی ہے میں پتہ نہیں وہ بھی دور کر. تو تو ہم پر راضی رہنے کی کوشش کرنے تو راضی ہو جا, نہ کوشش کرے کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں نا. خیر میاں صاحب ٹھیک بات ہے نا, ہم اللہ پر راضی, ہاں پکی بات ہے نا. ہر زمانہ اسی کا زمانہ ہے, ہر زمانہ اس کا ہے. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا بسرا شیر, اچھا اور یہ دن ہے جو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں. These are the days that are always being changed. ہم کرتے رہتے ہیں, اسرتے جسر واقعات سے یہ وہ, دن ہم بدلتے رہتے ہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے.